गायों की भी एक घटना बताई थी मैंने। बापूजी की कुटिया से दूर, मतलब कुटिया से नहीं दिखे, इतना दूर अपनी वाटिका की गाय चर रही थी। तो एक खेत से दूसरे खेत में जाना था, तो नागफणी के पौधे लगे थे, कैक्टस नागफणी कांटेदार पौधे होते ना, तो गाय इस खेत में से उस खेत में जा रही थी। तो जाते समय गायों को ना छिल जा रहा था। अब करुणा सिंधु गुरुदेव ध्यान में थे उस समय पे, 7 के आसपास का ही समय था। गुरुदेव उठे और जैसे भगवान भागे बिना गरुड़ के, ऐसे ही गुरुदेव चल पड़े, बड़ी तेजी से गए। सब अचंभित रह गए, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। गुरुदेव सीधा वहां से निकले, दूर जहां गाय चल रही थी वहां जाकर खड़े हो गए। बोले, मेरे हृदय में पीड़ा हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, धेनु के लिए यानी गौ के लिए, विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, जो इस रास्ते चलता है, ब्रह्म परमात्मा को पाने के रास्ते चलता। धेनु माने गाय, सुर यानी देवता, संत यानी जो संत समाज है। विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो गुरुदेव वहां गए और बोले, मेरे हृदय को पीड़ा हो रही थी। गुरुदेव ने उन गायों के लिए अच्छे से रास्ता बनवाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव।